देखिए दोस्तों, आपने आज सोचा कि हम एक PICB पे वीडियो बनाएं, जो कि वीडियो हम डाले हुए हैं उसमें हम PICB के बारे में नहीं बताए हुए हैं। हम सोचते हैं एक बार PICB के बारे में बताएं, जो कि ये यूज FHU में, FCU में, AHU में भी यूज होता है। वही है कि उसका साइज़ कुछ और होता है, इसका साइज स्मॉल साइज़ है, वो बड़ा साइज़ होता है। तो इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं डिटेल्स में। देखिए, इसमें लगाने का एक तरीका है। देखिए, ये एरो दिया हुआ है। इधर से ये आपका इनलेट है, एरो देख के ही लगाएंगे। जिधर से पानी का प्रेशर आता है ऐसे होना चाहिए। अगर FCU साइड में है तो इधर होना चाहिए। एरो देख के ही लगाएंगे, एरो का फ्लो, एयर वाटर का फ्लो इधर दिया होगा, वाटर फ्लो के हिसाब से ही लगाएंगे। अगर रॉन्ग कनेक्शन करेंगे तो आपका कूलिंग नहीं होगा। देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स में ये अंदर जो देखिए आपको नोब दिख रहा हो, वो नोब आके पुश हो जाता है। पुश होने के टाइम में ये तो आपका काम करेगा, बट नोब पुश रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम्स होता है, जो ये भी स्टक होता है, वो टाइम में भी एक्चुएटर काम नहीं करता है, एक्चुएटर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कूलिंग करना बंद हो जाता है। इधर से रिटर्न लाइन से पानी पास नहीं होगा, उस टाइम में आपका FCU काम करना बंद कर देगा। काम तो करेगा बट कूलिंग करना बंद कर देगा। देखिए दोस्तों, हम लोग ये जो PICB है, इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एक्चुएटर के साथ, और कनेक्शन कैसे करते हैं उसको भी हम बताते हैं। अभी नॉर्मली बताते हैं, अगर आपको ज़रूरत रहेगा तो आप बताइएगा, तो हम पूरा कनेक्शन करके अच्छे से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने के लिए भी कोशिश करेंगे। देखिए, इसको ये एक अडेप्टर होता है जो साथ में PICB के साथ में आता है। देखिए, हम लोग आपको समझाने के लिए हम एक नया PICB परचेज करके लेके आया है, जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, यह अडॉप्टर होता है। अडॉप्टर को पहले हम इधर इंस्टॉल करते हैं। अडॉप्टर इंस्टॉल करने के बाद ये अडॉप्टर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए एक्चुएटर को ऐसे इंस्टॉल करते हैं। इसको पूरा बराबर से ऐसे फिक्स करना चाहिए। अगर बराबर से फिक्स नहीं आप करेंगे तो इसका जो नोब है, एक्चुएटर का जो नोब है, वो बराबर काम नहीं करेगा। ऐसे देखिए, इसको पूरा टाइट होना चाहिए। और इधर एक लाइट जलता है कनेक्शन करने के टाइम में, इधर जब इसको कनेक्शन करके ऑन करेंगे उस टाइम में इधर रेड लाइट जलेगा। रेड लाइट जल के ब्लिंक होगा। जब ये रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगा, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो रेड लाइट जल के ब्लिंक होता है, और जब ये पूरा मतलब अपने रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो उस समय इधर ग्रीन लाइट हो जाता है। ग्रीन लाइट हो जाएगा जब आप कमांड इसको देंगे, एक्चुएटर को थर्मोस्टेट से कमांड देंगे, तो थर्मोस्टेट से कमांड देने के साथ में यहाँ जो ग्रीन कलर का लाइट जलता है वो ब्लिंक होता है। जब उसका कमांड खत्म हो जाएगा तो ब्लिंक करना बंद कर देगा। फिर जब कमांड देंगे, टेम्परेचर कम करेंगे या हाई करेंगे, तो उस समय में ये ब्लिंक करेगा। अगर ये कंटिन्यू ब्लिंक करता है, आप कुछ भी नहीं किए हैं, अगर कंटिन्यू ब्लिंक करता है तो आपका वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये बराबर एक्चुएटर आपका काम नहीं करता है। वो कंटिन्यू ब्लिंक करने के टाइम में एक्चुएटर एक समय ओपन होता है, एक समय में क्लोज होता है, जिसमें आपको कूलिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक्चुएटर क्लोज स्थिति में है, क्लोज कंडीशन में है, तो क्लोज में ही है। अगर ओपन में है तो ओपन में ही है। ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, ओपन भी क्लोज होगा, ऐसा बार बार वो अपना काम करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका कूलिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, हम आपका इसके वायरिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, ये 20 रेड और ब्लैक, ये रेड और ब्लैक दोनों, ये 24 वोल्ट पे काम करता है। इसको 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। और ये जो है, ये 10 वोल्ट कमांड देता है। ये थर्मोस्टेट से इसका कमांड आता है, जिसको इधर हम कनेक्ट करते हैं। इधर देखिए, इधर दिया है Y10 में इसको कनेक्ट करते हैं। केबल की सहायता से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये इधर से कमांड देता है इसको 10 वोल्ट। अगर टेम्परेचर आपका सेट पॉइंट डाउन करके रखेंगे तो इधर 10 वोल्ट कमांड आपको हर टाइम में मिलेगा। टेम्परेचर हाई करके रखेंगे तो 10 वोल्ट कमांड नहीं मिलेगा। अगर थर्मोस्टेट हीटिंग मोड में भी है तब भी आपको 10 वोल्ट कमांड नहीं मिलेगा। थर्मोस्टेट हीटिंग मोड में नहीं रहना चाहिए। किसी भी कमांड के लिए थर्मोस्टेट हीटिंग में रहेगा तो आपको कमांड नहीं मिलेगा और आपका बराबर एक्चुएटर काम नहीं करेगा। और थर्मोस्टेट हीटिंग मोड में है तो आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो कूलिंग होगा, और टेम्परेचर लो करेंगे तो हीटिंग होगा। वो हीटिंग मोड में रहने की वजह से सेट पॉइंट अगर डालेंगे तो आपका रॉन्ग वर्क करता है। जिसमें देखिए, हम आपको ओपन करके दिखाते हैं एक्चुएटर का। एक्चुएटर में एक नोब होता है, एक्चुएटर नोब कैसे काम करता है। नोब एक्चुएटर में ये जो नोब है, इसको जब टेम्परेचर आप सेट पॉइंट रूम टेम्परेचर से सेट पॉइंट अगर डाउन करके रखेंगे तो ये एक्चुएटर इस कंडीशन में रहेगा। अगर रूम टेम्परेचर से आप सेट पॉइंट हाई करके रखेंगे तो ये नोब बाहर आएगा। जो नोब बाहर आने के टाइम में PICB को देखिए इधर से पुश करके ऐसे क्लोज कर देगा। जब PICB को ऐसे क्लोज कर देगा, क्लोज करने के टाइम में इधर आपका वाटर इन नहीं होगा,
पास नहीं करेगा, पास नहीं करने की वजह से FCU में जो वाटर है, जो जिधर वाटर है लाइन का, ये वाटर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने की वजह से आपका कूलिंग स्टॉप हो जाएगा। फिर जब इसको कमांड मिलेगा तो ये वो टाइम में फिर एक्चुएटर ओपन होगा, जितना अगर 20% ओपन होगा, 50% होगा, जितना परसेंट होगा उस टाइम पे ओपन होता है। देखिए इसको हम लोग सेटिंग भी करते हैं, इसको जितना परसेंट जैसे आपको चाहिए उतना परसेंट आपको सेटिंग कर सकते हैं इसका। देखिए दोस्तों, अगर इसको हमको एक्चुएटर को सेटिंग करना है, देखिए ये कितना परसेंट इस पर दिया है, 10, 20, 30, जितना परसेंट आपको ओपन करना होगा, इधर आके देखिए 100% दिया है। तो आपको जितना परसेंट पे सेट करना होगा इसको, आपको नोब को पहले ऊपर करना होगा, नोब ऊपर हो जाएगा उस टाइम आपको हाथ ऐसे हैंड से आपको घुमाएंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए अभी हम 40 पे कर दिए, इसको हमको ओपन करना है तो हम मूव करेंगे तो ये देखिए 100% ओपन हो गया। 100% होने के बाद आपको 100% ओपन हो जाता है, इसको लॉक कर दीजिए। आपको FCU के कंडीशन के हिसाब से इसका पास्कल सेट करना होता है, पास्कल जितना होगा यूनिट जिस हिसाब से होगा उसको पास्कल सेट करने के लिए इसका पास्कल का एक फार्मूला होता है, पास्कल निकाल के इसका सेटिंग किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप जितना पे चाहेंगे उतना सेटिंग कर देंगे, इसका पास्कल निकाल के इसका सेटिंग किया जाता है, उसके हिसाब से यूनिट जितना आपको पावर लेना चाहिए उस हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और पूरा पार्ट्स हमने परचेज करके लेके आए आपको समझाने के लिए, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। कि इसमें इसको ओपन करने के बाद इसमें भी कुछ पार्ट्स होता है जिसको आपको ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ज़रूरत है इसके बारे में जानने के लिए, मैं इसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा वीडियो में, दूसरा वीडियो बना के सेपरेट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। और देखिए थर्मोस्टेट को भी हीटिंग मोड में और कूलिंग मोड में करने के लिए इसमें भी कुछ सेटिंग्स होता है, हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका अगर थर्मोस्टेट का भी सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, इसके कनेक्शन के लिए, थर्मोस्टेट को हीटिंग से कूलिंग मोड में करने के लिए, हीटिंग मोड में करने के लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, हम एक्चुएटर और थर्मोस्टेट का कनेक्शन करके ट्रांसफार्मर के साथ हम आपको दिखाएंगे, आपको जैसा ज़रूरत रहेगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।